मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मुख्यमंत्री आवास योजना के तीन तीन लाभार्थियों को आवास की चाबी दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोवंश रक्षा हेतु भूसा दान करने वाले तीन लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने सभी लाभार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मान पाकर सभी लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया तथा गोवंश रक्षा के लिए भूसा दान देने वाले तीन लोगों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। सबसे पहले बाबा गोरक्षनाथ के चरणों में शीश नमन करते हुए सामने हम लोग के आशीर्वाद स्वरूप परम पूज्य महाराज जी के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद देते हुए मंच पे बैठे हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, राज्यसभा सांसद, हमारे जिला अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए सामने बैठे सभी जनता जनार्दन, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन माने। आज की इस परियोजना में हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के हमारे परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में गांव से लेके शहर तक चौमुखी विकास हो रहा है। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आंखों के सामने आजादी के 70 साल के बाद ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका श्रेय सारा का सारा श्रेय हमारे परम पूज्य महाराज जी का है। बारे के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। साथियों, समय बहुत कम है, इस सपादों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर आर्यावर्त के वेदीप्यमान सूर्य उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के पूज्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपके चरणों में मैं और मेरा चिल्लू पार सब सब भ्रमण कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। पूज्य महाराज जी सहित मंच पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी क्षेत्रीय और जनपदीय पदाधिकारीगण, मंचासीन और सामने बैठे और सभी अधिकारीगण, महाराज मैं इतना कह सकता हूँ, मैं लिस्ट पढ़ रहा था, ये जो आपकी योगी सरकार 2 आई है और उसकी जो विकास की पहली बरसात निकली है, उस पहली बरसात की पहली फुहार चिल्लू पार को आपने दिया है, महाराज जी इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपके हृदय में चिल्लू पार के विकास की जो रूपरेखा है कि जब आप योजना शिलान्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आया कि चिल्लू पार को हम क्या दें, और आपने 2,16,55,000 रुपए का कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास आपने गोला बाजार की धरती को दिया है, उसका शिलान्यास हो रहा है। मैं अपने समस्त सिल्लूपाल के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों,
और जनता की तरफ से आपका हृदय की गहराई से वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ सिर्फ इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, महाराज जी आप सिर्फ विकास की तकदीर नहीं लिख रहे हैं, आप इस आर्यावर्त के विवाद उत्तर प्रदेश और भारत की नहीं कर रहा, इस आर्यावर्त के धूल धूसरित हो सके हो चुके स्वाभिमान को के सिरमौर बनाने के लिए जिस तरीके से आपका कार्य हो रहा है, मैं गदगद हूँ अपनी पूरी जनता अपने क्षेत्र की तरफ से और सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ आपने उस वक्त हमें इस धरती पर जन्म दिया जब पूज्य महाराज जी भारत की सनातन संस्कृति की पताका को फहराते हुए पूरी दुनिया में एक नई संस्कृति का उदय कर रहे हैं। हम सब आपके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।